ऑपरेशन कर, क्यों कर दे? केवल 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 आंख बंद करके केवल ये महसूस करो कि शरीर में फूंक कहाँ लगी है। क्या नाम है इनका? तुमन, तुमन। यार कपिलिया तो तेरी शक्ल पे ये जाने वाला है क्या आज? किस टाइम की ऐसी भलाई? कनाडा दी तो कैसे कैसे जाएगा फिर? आप बताओ कैसे जाएगा, हमें क्या बताओ, आप लेके जाओगे, हमें क्या पता कैसे जाएगा। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव वो देते हैं किसी को देगा ऑपरेशन इनके करा दिए, कहाँ करा दिए? ये समझा ही नहीं, कितने रुपया दिए पांच ऑपरेशन के? डिफेंस में था, डिफेंस में 14-12 लाख तो कमर के लिए, 12 लाख कमर के ले लिए, 2.5 लाख इसके ब्रेस्ट कैंसर के, 2.5 लाख ब्रेस्ट के ले लिए। चलो वो तो मुझे अभी पता नहीं, मैं उसको कह नहीं सकता कि ब्रेस्ट कैंसर था या इसी की गांठ थी, क्योंकि आज भी अभी भी एक बहन जी ने ये कहा है कि मेरे ब्रेस्ट कैंसर की गांठ पिघल गई, खत्म हो गई 3 बार की फूंक में। क्यों? क्योंकि उसको निगेटिविटी से थी, इनको भी हो सकती है ना। जब इनके 5 ऑपरेशन कर दिए डॉक्टरों ने, अभी भी इतना भार हो जाता है हृदय पे, क्यों? हो जाती है ना। अब तो मेरे को एक बात बता दे, इस टाइम शरीर में दर्द का है, छोड़ देती उस बात को, भूल जाता पहले आंसू।
रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है, चल जा कभी सवेरा। मनु भैया आ गए ना अब जीवन में, अब कहाँ की बात, अब तू यही रह जब तक ठीक ना हो। वो थोड़ा ही तो हो रहा है, ज्यादा तो नहीं हो रहा, सारा तो निगेटिव किसे है ये तो समझ गई, सारा निगेटिव किसे है। आपके पढ़े होने के बावजूद ये थोड़ा ही ना है। देखिए मुझे एक बात बताइए, आपने मुंह खोला हवा में दो बॉल फूट से, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। बुरे वाले आपकी गति को रोक सकते हैं, बुरे वाले आपको कष्ट दे सकते हैं, बुरे वाले कोई भयंकर रोग बना सकते हैं आपके शरीर। क्या वो आपके अंदर मुंह के अंदर आते जाते दिख रहे हैं आपको? आपने सेब काटा थोड़ी देर में वो लाल काला सा हो गया, क्यों हो गया? वो वायु के मॉलिक्यूल्स हैं, अच्छे वाले और बुरे वाले। तो वो सेब जो है उसमें B12 की मात्रा होती है और अंदर से वो इतना स्वच्छ होता है कि वायु के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वो पकड़ता है, कैच करता है और तब वो मलिन हो जाता है सेब कटा हुआ, है ना? थोड़ी देर के बाद अभी काटा था, कितना स्वस्थ है, कितना साफ था। तो वो आपको दिख रहे हैं वो कण जो आपके फेफड़ों को ऐसा कर रहे हैं सेब जैसा, बोलिए नहीं दिख रहे ना? इसका रोग कैसे दिखता? प्रॉब्लम आ कहाँ से गई? पहले डॉक्टर ने कमर का दर्द ठीक कर दिया, 12 लाख रुपए में 5 ऑपरेशन कर दिए। आप ये बताइए वो 12 लाख रुपए आए कहाँ से? 37 साल की उम्र थी, 37 साल मेहनत होता है, मेहनत थी और उसमें 12 लाख रुपए चुड़े, वो भी डिफेंस वाले ने चुड़े और उसको ठगा लूटा किसने बताओ? मनीष डॉक्टर ने उनकी एक गलती पर इतना मेरे को झेलना। क्या गलती की थी उस डॉक्टर ने? एक तो आपको निगेटिविटी थी पहली बात, फिर उसने ऑपरेशन किया निगेटिविटी का, जब उसको ये नहीं पता आपके शरीर में क्या ऑपरेशन किस चीज का कर रहा था। क्या उसने आपके टेस्ट किए थे बॉडी के? प्लेट कमर में रोड 5 स्क्रू, दर्द बढ़े ना कि घटे? चल नहीं पाते, बहुत परेशान हो। आपको नहीं लगा कि क्या कहते हैं डॉक्टर ने अंत कर दिया, अस्थाई हो गए हैं डॉक्टर? आपने लिखा है नहीं सपोर्ट ठीक लगेगी और ये सदा के लिए ठीक हो जाएगी, क्यों नहीं लिखा? उल्टा लिख के दे दिया। जो आपका इलाज कर रहा पैसे ले रहा है बदले उससे आप ये लिखाने के तो हकदार है कि मेरा मरीज ठीक होगा, खुद लिखने के हकदार नहीं कि मेरा मरीज ठीक नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं कहूँगा तुझे, ये हकदार है। फिर मनु भैया की बात कोई नहीं समझेगा क्या इस दुनिया में? उसका दिक्कत किसने पाई इस बहन ने? ये क्यों रो रही है इतनी? डॉक्टर ने आंसू पूछे कभी इसके? डॉक्टर ने कहा, एक डॉक्टर ने गलती की, डॉक्टर कहाँ का था, कौन से हॉस्पिटल का था, बताए जरा लोगों को। कहाँ है ये मैक्स हॉस्पिटल? आपसे पैसे कितने लिए? पैसे कितने लिए मेरी बहन जी? अभी चल के बताइए मुझे दर्द है क्या? प्लेट चढ़ा दी, स्क्रू चढ़ा दिए, नट चढ़ा दिए, हैं रोड चढ़ा दिए, देखना पूछना दर्द कहाँ है, आना जरा पूछो दर्द कहाँ है, कहीं भी नहीं है। बाथरूम भी नहीं जा पाते, ये दर्द कहीं नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दर्द ही प्रेत का था, दर्द ही पितृ दोष आदि का था। डॉक्टरों से लूटे, डॉक्टरों से पिटे, उन्होंने औंधे मुंह मारा, उन्होंने आपके ओरिजिनल अंगों को कैसे लोकल अंगों में बदल दिया, रीढ़ की हड्डी को सपोर्ट नहीं दी उसने, आपकी पत्नी की रीढ़ को तोड़ा है उसी डॉक्टर ने। मैं लिख के दे रहा हूँ कि ये ठीक हो जाएंगी यहाँ से शनि धाम से, अभी भी इनके दर्द गायब हो जाएंगे। क्या डॉक्टर ने लिख के दिया? क्यों नहीं दिया? क्योंकि डॉक्टर के पास इसका कोई इलाज था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, उम्र बीत जाएगी इनकी, इनको कुछ नहीं आता। मैं कहता हूँ ये जीरो पे खड़े हैं आज भी। एलोपैथी की चिकित्सा सबका नाश कर रही है, सबको खा रही है और जड़ से सबको मिटा रही है। आगे ना, केवल आंख, केवल नाक, केवल मुख दांत, केवल गला, ये केवल कान, ये डॉक्टर सक्सेस है। इसमें एलोपैथी की चिकित्सा ने विकास भी किया है, लेकिन जितना विकास किया है उसका 1000 गुना विनाश किया। जैसे हम जमीन के संसाधनों को लेते हैं, उनको उपभोग करते हैं और एक टाइम आ जाता है उसमें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हमने उतना नहीं लिया, हम यूज इतना कर रहे हैं कि उसका एक दिन प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसे ही डॉक्टर कर रहे हैं। बोलिए शनिदेव महाराज की।
आप फिर भी नहीं लेके आ रहे थे, कितने दिनों बाद आए? बहुत दिनों बाद आए। इसके बीच में भी कई ऑपरेशन करा लिए? मैंने ऑपरेशन के लिए मना किया, ऑपरेशन के लिए इन्होंने मना किया था, तब भी आप क्यों नहीं? ऑपरेशन के बाद ये कहती मेरे को मृत्यु आ जाए तो अच्छा, मैं जीना नहीं चाहती। नहीं अब आप क्या कहें, देखो मैं एक बात बताता हूँ, अभी ये मेरे पास आएंगी काफी दिनों तक, जब जाके ठीक होंगे, इनकी बीमारी कुछ हो गई, आपने दवाई कुछ और करा दी, इसलिए ये दुख पा रही है बेचारी, खड़ी होकर कष्ट पा रही है। आज इनको समझ में आ गया, अभी तक उनकी कमर में दर्द नहीं है, आपको क्या लगता है? पता है आपको इस बात का, इतनी देर खड़ी हो सकती है ये? आप ही बताओ इतनी देर खड़ी रह सकती है ये? पकड़ के ले जाते हैं, आज तो कोई नहीं पकड़ रहा, आज तो आप नहीं पकड़ रहे, लो मैं भी सहारा नहीं देता, पूछ लो दर्द है क्या, चला लो, चलना जरा। बोलिए शनिदेव महाराज की, बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय, शनिदेव। अपने आप बुला लूंगा मैं जब मेरी वो आएगी, काफी आराम पड़ जाएगी। बोलो शनिदेव महाराज की। अब एक बात बताओ, आपको लूटा किस किस ने इस बीमारी में? मनीष कौन है? डॉक्टर मनीष है, न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट। न्यूरोलॉजिस्ट ऑपरेशन भी करने लगे? न्यूरोसर्जन दो तरह के होते हैं, न्यूरोसर्जन होता है, तो न्यूरोसर्जन कमर पे आ जाता है, कमर का भी रीड का और दिमाग का वही रहता है जी, रीड का और दिमाग का वही रहता है। वो सारे प्रयोग आपकी पत्नी पे करना चाहता था क्या? उनकी गलती से कैंची लग गई थी दिमाग का, रीढ़ की हड्डी का बोल था उसमें, कट लग गया, लेकिन उन्हें पता नहीं चला। चार ऑपरेशन के बाद पता चला डॉक्टर को, डॉक्टर की कैंची लग गई कहाँ? दिमाग में। एक बॉल होती है लिक्विड की, जो रस घूमता रहता है, और उन्होंने वो रसने लगा। क्या क्या नहीं कर सकते ये डॉक्टर, इनको आदमी की कोई वैल्यू नहीं पता। दारू पी के ऑपरेशन कर रहा था क्या, कि कैंची कहीं और मार दी? फिर बिना बेहोशी के करने लगा। मैंने कहा डॉक्टर है अगर लट्टू है, कैसे ही घूम रहा है, कैसे ही घुमा रहा है लोगों को, ये अच्छा डॉक्टर है? कहाँ का है डॉक्टर, ये बताना जरा कहाँ का डॉक्टर है? आपके पैर में जूता था? बोलिए जूता था आपके, आपने मारा क्यों नहीं साले के? आपकी पत्नी को काट दिया, गलत अंग काट दिए, और ऑपरेशन कर दिए तीन, क्या वे ऑपरेशन फ्री में किए? कमर के कितने पैसे मांगे थे बताना जरा? 12.5 तो फिर चारों के लिए, बाकी के तीन ऑपरेशन तो फ्री में कर दिएगा तेने? पहले ऑपरेशन का 2.5 लाख रुपए लिया, फिर उसी की गलती से तीन ऑपरेशन और हुए, और वो ऑपरेशन कैसे हुए कि उसने क्या काम कर दिया, कर्म क्या किया उसने? बाद में पता चला कैमरा डाला उसमें, तब क्या पता चला कि यहाँ कैसी लग गई है? चार क्या नाम पाइप लटका रखी थी मैं 2 महीना, चार पाइप लटका रखे थे, बिना सुन किए इसका ऑपरेशन करने वाला था, और कैंची कहीं मार दी किसी बोल में जिसमें से रस टपकता है, अब वो रिंग की हड्डी में जाता है, उसमें कैंची मार दी, लिक्विड बहने लगा था। इन्फेक्शन फैल गया, फिर ये बोल गया, फिर ऑपरेशन कर, फिर इन्फेक्शन फैल गया। बढ़िया आदमी मिल रहे हैं डॉक्टरों को, डॉक्टरों ने काम ये कर दिया है कि एक एक सर, ये तो वो वाला काम हो गया, वो एक फिल्म देख रहे थे और वो फिल्म का नाम था क्या कहते हैं, गब्बर इज बैक में भी आपको पता है क्या सीन आता है, वो फिल्म थी वो संजय दत्त वाली, और वो कहता है प्लीज एक बॉडी चाहिए, वो जिंदा आदमी को बॉडी में भर के ले आते हैं। MBBS ये मुन्ना भाई MBBS वाला काम हो रहा है कि जिंदा आदमी को पकड़ के और प्रयोग किए जा रहे हैं। क्या किए जा रहे हैं? प्रयोग किए जा रहे हैं। जूते के हकदार को आपने सर का ताज बना दिया है, आपने भगवान मान लिया है, वो कैंची मार रहा है लिक्विड वाली मशीन पे, आया समझ में? वहां से आप बताइए क्या ये गलत कह रही है अपने मुंह से? सही कहा। तो इनको लूटा भी, इनके लग रहे थे कुल 2.5 लाख रुपए कमर में, और लगे फिर तीन ऑपरेशन और 12 लाख रुपए, 12.5 उन्होंने अपनी जेब से दिए,
जब गलती उसकी थी अपनी जेब से क्यों नहीं भरा? नहीं क्यों नहीं मानते? पहले लिखवा लिया था इनसे। क्यों लिखवाया पहले? आपने लिख के क्यों दिया? नहीं समझे आप? हम अपने मरीज को सामने पेश करें, वो पैसे भी ले फिर भी गारंटी ना ले, और साइन ये करवाए कि तुम मरोगे तो मेरी कोई गारंटी नहीं। मतलब तू हमें प्रयोग करना चाहता है क्या? हमारे ऊपर सारे प्रयोग करोगे क्या? हमें कैंची से भी काटोगे, इंजेक्शन भी लगाओगे गलत गलत। और सबसे बड़ी बात ये है, देखिए धुरी की और आधार की बात, बहन जी को निगेटिविटी है। ये वही बहन जी है जिनके 5 ऑपरेशन करने के बाद दर्द नहीं गया, और अभी वो मुझे चल के दर्द बताए। बोलिए शनिदेव महाराज की। और आप ही इनके पति हैं, आप ये बताइए आपका नाम क्या? अशोक नाम उदय सिंह, मुच्छल उदय सिंह। आप मुझे ये बताइए मुच्छल उदय सिंह जी, इतनी देर अकेली खड़ी रह सकती हैं? बोलो, ऐसे चल सकती है? मनु भैया ने कुछ किया है? कोई दवाई दी है? केवल यज्ञ किया, भगवान का नाम ले रहे हैं है ना, और उसको भगवान का नाम सुना रहे हैं, कान में भूख मारी, चौथी क्या क्या प्रक्रिया की है? कोई ऑपरेशन कर दिया मैंने, फिर बिना ऑपरेशन के इतने सारे दर्द गायब कैसे हो गए? अरे केवल निगेटिविटी है भारत के लोगों, समझ जाओ। ये मत समझो तुमने डिफेंस कर लिया है या तुम डिफेंस में नौकरी करके आए हो, तो तुम जो सोच रहे हो वो सत्य है। हवा के जैसे मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते, वो पार्टिकुलर्स नहीं दिखते, तब इतनी सूक्ष्म ऊर्जा कैसे दिख जाएगी जिसको बड़े बड़े कैमरे नहीं पकड़ पा रहे हैं? कहाँ था थोड़ा देर में, थोड़ा सा मामूली इतनी देर खड़ी रह सकती है? कभी रही? कितने सालों से ऑपरेशन कब तक करा? एक डॉक्टर गलती पे गलती, दारू पी के ऑपरेशन करते हैं, किसी में कैंची छोड़ दी, किसी में एक वो भाई साहब बता रहे थे उसके सिर में वही छोड़ दिया, क्या बोलते हैं है? क्या छोड़ा था? सुई, इंजेक्शन की सुई छोड़ दी, सिरिंज ही छोड़ दी। कमाल है इन डॉक्टर, दारू पी के ऐसे ऐसे काम करते हैं, इनको बोलो भगवान। कहेंगे भगवान भाई, शैतान में और भगवान में कोई तो अंतर होता होगा, बताइए वो कौन सा भगवान जो आपके बॉडी के अंगों को और उल्टा करते विपरीत कर दे? काहे का भगवान भाई? आपके अंदर सीरीज भूल गए, और आपने सुना भी होगा कोई डॉक्टर तौलिया भूल रहा है, कोई घड़ी भूल रहा है। अबे तुम डॉक्टर हो अब गधे हो, तौलिया घड़ी भूलने की चीज है? इतने बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे हो, आदमी को माना क्या है तुमने? है उसकी कोई महत्ता नहीं है? उसका कोई सरूर नहीं है? उसकी कोई इमेज नहीं है? वो पैसे भी दे और अपने अंदर तौलिया भी भरवाए तुम्हारे से, अपने अंदर रुई और सिरिंज भी छुड़वाए तुम्हारे से, आपकी घड़ियां भी आदमी के अंदर बोले हैं, और वो मैसेज दे मैं अंदर बज रही हूँ भाई मुझे बाहर निकालो। भलाई की हद होती है बहन जी, एक हद होती है, डॉक्टर का पुतला जलाओ, डॉक्टर पे केस करो। क्या करो? आपने इलाज कहीं और कराया, इलाज कहीं और का किया, 4 ऑपरेशन आप पे लाद दिए गए, जब ऑपरेशन की बात ही एक ही हुई थी। 4 कहा है 4? आप मानते हैं उनकी गलती है, और फिर मुच्छड़ कुछ नहीं कर रहा, जूते नहीं मारे जा रहे तेरे पे? नहीं, बाद में पता पड़ी जब कैमरा डाला, इन्फेक्शन के लिए बहका दिया, इन्फेक्शन हो गया। आप ऑपरेशन कराते हैं, दुनिया भर की इन्फेक्शन की दवाई दी जाती है, फिर कहा इन्फेक्शन हो गया? मतलब आम आदमी का किसी भी तरह गांठो उल्टा करो सीधा करो फुद्दू गांठ लो। बाप रे, नहीं वो इन्फेक्शन यहाँ का ऑपरेशन किया, इन्फेक्शन यहाँ हो गया। इन्फेक्शन कहाँ हो गया? और ऊपर रस कहाँ बहा? ये सर में भी कुछ बता रही थी, सर में भी कुछ कर दिया। जो लिक्विड का एक बॉल होती है सीएसएल के समर्थक, एक ही वो होता है। हाँ, सीएसएल उस बॉल की नस काट दी, सीएसएल कैची लग गई, लीक कर गया, लीक कर गया। कैसे? कैची लग गई। ऑपरेशन करो कैची लग जाए, कोई और रोग हो जाए डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं, इसलिए साइन कराओ, पैसे भी आदमी से लो और उसको चुप भी कराओ, थप्पड़ भी उसी के मारो, है बाहर निकालो उसको, पैसे कम पड़ जाए तो धक्के दे के बाहर मारो, और ज्यादा सवाल करे तो बोलो चुप रहे वरना भगा दिया जाएगा, ऐसे करो, पैसे कम पड़ जाए तो भगा दो, चाले को हॉस्पिटल से, चल मरीज जब मिलेगा जब पैसे पूरे हो जाएंगे, मरे और को भी तब दे जब पैसे पूरे हो जाए। इनकी ऐसी तैसी नहीं कर दो तुम सारे मिलके, कितने केस कर दे इस पे?
करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। जिसने एक ऑपरेशन के पैसे लिए वो चार ऑपरेशन कर रहा है, फिर 2.5 लाख के 12.5 लाख ले रहा है। तेरी क्या गलती थी भाई 2.5 के 12.5 दे रहा है तू? कहा देखे आए? अरे उच्छेद बाबा कहा देखे आए पैसे? अरे वो सरकार से लिए, सरकार के भी तो कहीं के थे। 37 ईयर्स की कटिंग थी, वो 37 साल ऐसे ही गुजार दिए फौज में। फौज दिमाग भी तो देती होगी। माइंड घुमा दिया बहन जी, जब डायबिटीज की वजह से इन्फेक्शन था तो डायबिटीज पहले कम करके ऑपरेशन क्यों नहीं किया? नहीं था उस समय, नहीं थी उस समय, नहीं थी बीच में, नहीं थी, रोज टेस्ट हो रहे थे तब भी नहीं थी। और उसी टाइम होगी जब ये पता चल गया कि कैंची लग गई, तब इन्फेक्शन हो गया। मना कर रहे थे उस टाइम, नहीं बता रहे थे कुछ नहीं है, लेकिन इसको अपनी एक एक दिन की याद है। मुझे खूब याद है, खूब रोती थी। डॉक्टरों से मैंने ये बोला मुझे इंजेक्शन लगा के जाएगा, मैं मरना चाहती हूँ, मैं जीना नहीं चाहती। मेरा तो प्रयोग कर लिया, तेरे को शरीर को अच्छी तरह से प्रयोग कर लिया डॉक्टर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन जी, बहुत बढ़िया। ऐसे ही लूटो कटो पिटो भारत के नागरिकों। मनु भैया की तुम्हें क्या जरूरत है? तुम्हें तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों की जरूरत है। तुम्हें तो उनके चेहरे देखने हैं जो सफेद कोट पहने हुए हैं, तुम्हें तो उनके चेहरे देखने हैं जिनके शीशे में चेहरा दिखाई देता है। तुम्हें तो बड़े पैसे खर्चने आते हैं, तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है भारत के लोगों, तुम तो ऐसे ही ठगे जाओगे। तुम्हें ठगने लूटने का उपाय पे उपाय कोई करता जाएगा। तुम्हारे पहली बात इसको केवल निगेटिविटी थी और बात करनी है। जो दर्द इसको आज नहीं है वो ऑपरेशन करने के बाद भी था, ऑपरेशन से पहले भी था, और डॉक्टर ने फिर किया क्या मुझे ये समझ में नहीं आया। क्या किया उस दिन बाद? कैंसर बता दी, कैंसर हो गया है ब्रेस्ट में। तो देख मैं फूंक मारता हूँ, जहाँ जहाँ फूंक लगेगी, ध्यान से सुने, जहाँ जहाँ फूंक लगेगी वहाँ वहाँ निगेटिविटी बैठी है, और वही 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 लोग बन पा रही है, और डॉक्टर आपको बहका रहे हैं। खुली छूट भारत के नहीं, समस्त वर्ल्ड के सारे डॉक्टरों को खुली छूट। आ जाए और चेकिंग कर ले, और अपने कारनामे देख ले रोजाना कि बड़े बड़े और नामचीन हॉस्पिटल वाले लोगों के साथ कितनी ठगी करते हैं, कितनी लूट करते हैं, और ये मेडिकल एसोसिएशन केवल आंख बंद करके सोता है और केवल पैसे पे पैसा जोड़े चले जाते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियां, ये बड़े बड़े वो, और एक बात बता रहा हूँ, ये जितनी भी स्कीमें चल रही है किस लिए? कि आपकी मेडिकल की वो हो गई, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं मेडिकल की, कार्ड बना देते हैं जी, कार्ड बना देते हैं, वो क्या बोलते हैं इसको, इंश्योरेंस। जितने भी इंश्योरेंस कंपनियां हैं मनु भैया ये कहते हैं कि डॉक्टर उनको घाटे पे घाटा दे रहा है, घाटे पे घाटा दे रहा है, घाटे पे घाटा दे रहा है। और वो इंश्योरेंस कंपनियां शोध करें मनु भैया के यहाँ आके, और इन डॉक्टरों को बताए कि रोग क्या है और तूने इलाज क्या कर दिया, और उसका हम कितना पैसा देंगे। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ लगी? सर में और कमर में और पेट में और छाती में भी सब जगह रोग है कि नहीं? सब जगह रोग है कि नहीं? सब भरा पड़ा है कि नहीं? अभी दर्द कहाँ है? और कहीं नहीं? वो तो कमर में प्लेट प्लेट चढ़ने का भी थोड़ा सा दर्द हो सकता है, बाकी कहाँ गया? सर घूमेगा क्यों नहीं? मैंने भूख जो मारी है, नाम जो संचरण हो रहा है, नाम की महिमा जो है, नाम दुनिया के सारे डॉक्टरों से सबसे बड़ा है। नाम अगर सब लेंगे तो डॉक्टर फैल हो जाएंगे, विफल हो जाएंगे, उनके कुत्ते पिल्ले फैल हो जाएंगे, वो भूल जाएंगे चिकित्सा करनी। चिकित्सा करने से किसी भी आदमी के पहले 100 बार सोचेंगे कि चिकित्सा मत करो, ऑपरेशन मत करो, कहीं मनु भैया ना आ जाए, कहीं मनु भैया आना जाए। बोलो जय शनिदेव। मेरे 20 साल की मेहनत आज रंग ला रही है और आप सबको बता रही है कि आप लोग कैसे ठगे जाते थे, कैसे लोगों ने आपको ठगा है,
कैसे मिलता है, कैसे डॉक्टर गलत गलत व्यवहार करते हैं और कैसे डॉक्टर अपने से बड़ा किसी को समझते नहीं है, कैसे धक्के देते हैं हॉस्पिटलों से, देते हैं कि नहीं, ऑपरेशन से बचा लो लेकिन धक्के देते हैं कि नहीं हॉस्पिटल से। एक दिन आपकी बेटी बता रही थी आपकी बेटी के साथ डॉक्टरों ने कितना गलत व्यवहार किया था, धक्के दे दे के बाहर निकाल दिया था और कहा ले जा अपने बाबू जी को, चलो यहाँ से बाहर भागो। बोलो शनिदेव, पैसे दो लूटो पिटो और क्या करो गाली खाओ, और सामने वाला फिर भी पढ़ा लिखा है, सामने वाला फिर भी ये है क्या कहते हैं कि तुम बेवकूफ हो, तुम अंधविश्वासी हो और तुम्हें कुछ आता जाता नहीं है, तुम ऐसे ही भटकते रहोगे, ऐसे ही दर दर की ठोकरे खाते रहोगे, सामने वाला ये कहेगा। आप देखो खूब चलो, चलना उसी में बैठ के आते हो, खड़े होके जाते हो, तब कुछ तो कहो संसार को, कुछ तो बताओ इस संसार को कि नहीं मनु भैया के यहाँ सत्य बरसता है, ये देख लो। बोलो गुरुदेव मनु भैया की, शनिदेव भगवान की, बाबा साबिर प्यारे की, सच्चे दरबार की। इस चीज का ऑपरेशन बच्चा दानी ने गांठ, वह दर्द होता है जब दर्द ही नहीं होता तो फिर गांठ क्या करते, क्यों आपके बच्चे पूरे हैं, डॉक्टर ने पहले आपसे ये पूछा है कि आपके क्या बच्चे, पूछा कि नहीं क्या बच्चे, आपने उनकी उम्र भी बताई होगी, फिर डॉक्टर ने ये कहा बच्चेदानी निकालने की बारी आ गई है क्योंकि इस आदमी के बच्चे तो हो गए हैं पूरे, अब बच्चेदानी निकाल करके बाहर कर दो, आपको जब बच्चेदानी में ना दर्द है ना कष्ट है कहाँ बच्चेदानी निकलवाने पर चलिए, क्यों खड़ी क्यों जहर हो गया क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है बच्चेदानी में, दिक्कत क्या, बस ये बात, जब डेट ज्यादा आती है तो उसकी बच्चेदानी की दिक्कत है ये कैसे बता दिया डॉक्टर ने, आपके कौन कौन से टेस्ट किए, आपके शरीर में और क्या प्रॉब्लम होती है, अरे झुक के पैर छू लिया, अरे तुझे अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी का कोई भरोसा नहीं, स्टील की रोड लगी हुई है उसमें नट कसे हुए हैं डॉक्टर ने और भी कई चीज लगाई हुई है, मुझे तो पहले से ही विश्वास है, क्या भैया मैं तो इलाज करवाना ही नहीं चाहती ऑपरेशन, आपका आदमी आपकी बात मान लेता तो कम से कम ऑपरेशन तो नहीं होते चार पांच, उसने मानी नहीं बस मुच्छड़ अपने वाली पे लगा गया, भोजी वाली बोलिए शनिदेव महाराज की, पछताएंगे आना है अभी तक तो गया नहीं, इलाज चलेगा ठीक है, कहाँ से आया, बहुत अच्छी